हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने होम आर्ट चैनल पे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बचे हुए कपड़े को यूज़ में लेकर एक ऐसा पायदान बनाएंगे जिसे बनाना बिल्कुल ही आसान है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने कपड़ा लिया है, इनको सबको 2 इंच लंबाई और 2 इंच चौड़ाई के अंदर हमने कट कर लिया है। ऐसे हमें पीस कट करने हैं बचे हुए कपड़े से। ऐसे थोड़े थोड़े कपड़े से ऐसे हमारे पीस निकल जाते हैं आराम से, जैसे हम सूट सिलते हैं उसमें से कपड़ा बच जाता है। तो ये मैंने एक यूरिया का थैला लिया है, उसको मैंने सर्कल के अंदर काट लिया है। इस कपड़े को यहाँ से कोने से पकड़ के अंगूठे की सहायता से ऐसे हमें बंट लगाने हैं इस तरीके से। फिर यहाँ से पकड़ो, यहाँ पे रखो, फिर सिलाई करो। कतरन को ऐसे पकड़ो, यहाँ से कोने से ऐसे बंट लगाओ अंगूठे की सहायता से, इस तरीके से यहाँ से पकड़ के ऐसे बंट के फिर थैले के साथ अटैच करना है सिलाई करके। फ्रेंड्स, यहाँ थैले की जगह आप जींस का टुकड़ा भी ले सकते हो, पैंट, उसको भी सर्कल में काट सकते हो, या कोई और कपड़ा बचा हो, पैंट का कपड़ा हो अदर, तो उनको भी आप सर्कल के अंदर ऐसे काट के यूज में ले सकते हो। अगर फ्रेंड्स आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाएँ, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिले। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखते रहिए, तभी आप समझोगे कि किस तरीके से कैसे हमने क्या बनाया है, किस तरीके से ये कतरन को फोल्ड किया है, कैसे हमने इसके ऊपर सिलाई करी है। तो फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह के पायदान को आप खाना खाने के लिए या पूजा पाठ वाले कार्यक्रमों के लिए अपने रूम डोर के आगे रखकर भी काम में ले सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखते रहिए, पायदान बनने के बाद आपको बहुत पसंद आएगा। पायदान जितना ही सुंदर बनेगा उतना ही मजबूत बनेगा। आप सभी का वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जितना मजबूत पायदान बनाओगे उतना ही ये सालों साल चलेगा। बाहर से आने वाले हर व्यक्ति की नज़र इस पर एक बार जरूर पड़ेगी। जो ये पायदान के ऊपर रंग बिरंगी चमक दिख रही है उसके ऊपर ध्यान जरूर जाएगा, तो यह एक आकर्षक पायदान बनेगा। मुझे पता है फ्रेंड्स, आप सभी के पास टाइम की बहुत ही कमी रहती है, इतना आसान नहीं होता कि हम टाइम निकालकर एक अच्छा सा पायदान बनाएं। लेकिन मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूं कि फ्रेंड्स, अगर आप पायदान बनाना चाहते हैं तो आपके इस पायदान के लगे टाइम को बर्बाद नहीं करेगा, जो ये सालों साल चलेगा और आपकी मेहनत को ख़राब भी कभी नहीं करेगा। तो इसको देखने वाले हर व्यक्ति की नज़र पड़ेगी और आपको एक बार ज़रूर पूछेगा कि ये किसने बनाया है और कहां से कैसे बनाया है। अच्छे सिलाई होने के बाद यह एक ऐसा पायदान बनेगा, इसे आप उठाकर कैसे भी समेट कर हर जगह ले जा सकते हैं और कहीं भी हम काम में ले सकते हैं। मैं यहाँ पर कतरन की जो ये एक राउंड ले रही हूँ या 2 राउंड ले रही हूँ या 3 राउंड ले रही हूँ, उसकी जगह आप, आपके पास इतने कतरने नहीं हैं रंग बिरंगी, तो फ्रेंड्स आप 1 की जगह आधा राउंड भी ले सकते हो, 2 की जगह 1 राउंड भी आप ले सकते हो, तो आप 1 कलर का राउंड भी यूज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे सर्कल के अंदर अपना पायदान बना रही हूँ। आप चाहो तो इसको स्टार के अंदर भी बना सकते हो, अंडाकार के अंदर भी बना सकते हो, या वर्त के अंदर भी आप इसे बना सकते हो। वो अपने खुद पे डिपेंड होता है, आपको किस शेप के अंदर ऐसा पायदान सुंदर लगता है आप उसके हिसाब से इसको बना सकते हो। तरीके से हमें बंट लगा के ऐसे कतरन को इसके साथ अटैच करना है, पूरे को ऐसे ही हमें कवर करना है। इस तरीके से बंटो और ऐसे लगाओ, ऐसे हमें राउंड लेना है। तो फ्रेंड्स, ये हमने पहला राउंड बना लिया है, अब हमें दूसरा राउंड शुरू करना है। तो ऐसे कतरन को इस तरीके से बंट के हमें इसके ऊपर ऐसे रखना है, जो हमारी सिलाई दिख रही है बिल्कुल इसके ऊपर रखना है, इस तरीके से सिलाई के ऊपर, ये ऊपर वाला कोना है, सिलाई के ऊपर रखें ताकि सिलाई ना दिखे। इसी तरीके से हमें दूसरा राउंड, फिर तीसरा राउंड लेना है हमें, फिर चौथा राउंड लेना है, फिर पांचवा, इसी तरीके से बंट लगा के हमें इस कतरन को इसके साथ सिलते रहना है। इस कलर के हमने 2 राउंड बना लिए, अब हमें दूसरा कलर लगाएंगे। यहाँ पे कतरन को ऐसे फोल्ड करो, ऐसे बंटो और वैसे ही इस सिलाई के ऊपर इसको रखो,
और ऐसे सिलाई करो। बिल्कुल जो हमने पहले सिलाई की है उसके ऊपर हमें दूसरे को पीस को रखना है, सिलाई के ऊपर रखना, इस तरीके से ऊपर वाले कॉर्नर को सिलाई के ऊपर रख के ऐसे हमें सिलाई करनी है, जिससे हमारी शेप बहुत ही अच्छी आएगी। तो फ्रेंड्स ये देखो हमने इसको सी लिया। अब जो लास्ट में कतरन बची है इनको हम इस तरीके से कैंची की सहायता से कट करेंगे। यहाँ पे हम एक सर्कल के अंदर कतरन काट के लगाएंगे। पहले हम इसको काट लेंगे ताकि ये ऊपर उठा हुआ ना दिखाई दे कतरन लगाने के बाद में। इस तरीके से हम सबको कट करेंगे, धागे वगैरह जो भी है उनको हम कट कर लेंगे। ये मैंने कतरन लिया सर्कल के अंदर, जितनी जगह हमने बीच में छोड़ी है उसके नाप की हमें ये कतरन कट करनी है सर्कल के अंदर। फिर हमें इसको दोनों को रखे इस तरीके से हमें सिलाई करनी है, दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखे हमें सिलना है। लास्ट में हमें थोड़ी सी सिलाई छोड़नी है, पूरे के ऊपर हमें नहीं सिलना है, थोड़ी सी सिलाई छोड़नी है जिसे हम इसको सीधा करेंगे। यहीं तक हमें सिलना है, अब हम इसको सीधा करेंगे सुई की सहायता से। जो हमने सिलाई छोड़ी है यहाँ से इसको सीधा करेंगे हम। ये सुई ली है, इससे हम इस तरीके से
यहाँ से इसको सीधा कर लेंगे, ये सीधा हो जाएगा। जैसे हम पाइपिंग बनाते हैं वैसे ही हमें ये बनानी है। इसको इस तरीके से निकाल लेंगे, ये निकाल लिया हमने। फिर इसके ऊपर प्रेस कर लेंगे ताकि जो सलेसी है वो जम जाए बिल्कुल। प्रेस करने के बाद में ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हमने प्रेस कर लिया है, अब इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे। हमने जो बीच में जगह बची थी जहाँ से हमने कतरन काटी थी वहीं पे ऐसे रख के इसके ऊपर इसके चारों ओर हमें सिलाई लगानी है। राउंड के अंदर पूरे को हमें सिलना है। आप यहाँ पे चाहो तो फ्लावर्स भी लगा सकते हो बना के, और कातर भी आप इस तरीके से सर्कल के अंदर काट के लगा सकते हो। तो फ्रेंड्स देखो कितना सुंदर लग रहा है ये पायदान, और इसमें बनाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, कुछ ही टाइम में ये बनके तैयार हो जाता है। ये देखो फ्रेंड्स हमारा पायदान बनके तैयार हो गया है, कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल मार्केट जैसा बना है, बनाने में बिल्कुल ही आसान है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।